हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू एवरीथिंग एट वन। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश आर्म्ड फोर्सेस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। तो क्या है ये पूरा मामला, सब कुछ जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश एयरफोर्स को लेकर टर्की से आता हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जिसके तहत ये बताया जा रहा है कि टर्की अपने एक बहुत ही एडवांस्ड ड्रोन TAI अंका बांग्लादेश एयरफोर्स को ऑफर किया था। और ये ऑफर बांग्लादेश एयरफोर्स 2018 में UAV खरीदने के लिए जो टेंडर लॉन्च किया था उसके रिस्पॉन्स में किया गया था। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बांग्लादेश एयरफोर्स 2017 में UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल परचेस करने के लिए एक टेंडर इशू किया था, और उस टेंडर एक चाइना का बनाया हुआ ड्रोन को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन उसके बाद 2018 में भी ड्रोन खरीदने के लिए और एक टेंडर को इशू किया गया था, जिसके तहत अभी तक कोई ड्रोन्स को सिलेक्ट नहीं किया गया है। और इस टेंडर में टर्की का बनाया हुआ ये अंका ड्रोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीटर है। और इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी को पता है बांग्लादेश और टर्की ब्रदरली नेशन है, और पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश आर्मी के लिए टर्की से बहुत सारे स्मॉल UAV को खरीदा गया था, जो अभी बांग्लादेश आर्मी और बांग्लादेश एयरफोर्स में ऑपरेशनल है। और अभी तक ये ड्रोन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और इसीलिए बांग्लादेश एयरफोर्स के इस ड्रोन खरीदने के टेंडर में टर्की का अंका ड्रोन सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर हम थोड़ा सा डिटेल में देखें तो ये पता चलता है कि टर्की जितने भी इक्विपमेंट्स को अपने देश में इंडिजेनियसली डेवलप और मैन्युफैक्चर किया है, वो सभी क्वालिटी वाइज बहुत ही अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ, और मेंटेनेंस कॉस्ट और लॉन्गजीविटी में भी ये सारे इक्विपमेंट्स बहुत ही अच्छा होता है। और इस वीडियो में मैं जो अंका ड्रोन की बात कर रहा हूँ, ये भी टर्की में इंडिजेनियसली डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है। और इस ड्रोन को मैन्युफैक्चर किया है टर्किश कंपनी टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि TAI। और टर्की का बनाया हुआ ये ड्रोन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि कुछ दिन पहले सीरिया में रशिया और टर्की के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें टर्की का ये ड्रोन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था। इसको हम डायरेक्टली टर्की और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट नहीं कह सकते, लेकिन टर्की जो अल असाद के आर्मी के खिलाफ लड़ रहा था वो रशिया के हेल्प से ही लड़ रहा था, और रशियन बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहा था, और रशिया के तरफ से बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम भी सीरियन आर्मी के सपोर्ट में डिप्लॉय कर दिया गया था। और पहली बार जब रशिया सपोर्टेड सीरियन एयरफोर्स ने टर्की के आर्मी बेस के ऊपर हमला किया था, तो उसमें तकरीबन 34 टर्किश आर्मी मारे गए थे। और इसी चीज के बदला लेने के लिए कुछ दिन बाद टर्की ने एक बहुत ही इंटेंसिव ऑपरेशन चालू किया, और इस ऑपरेशन में टर्की में इंडिजिनियसली डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया बहुत सारे ड्रोन को इस्तेमाल किया गया, और इन ड्रोन में ये अंका ड्रोन भी शामिल था। और टर्की ने इस ऑपरेशन में जितने भी ड्रोन और मिसाइल्स को इस्तेमाल किया था वो सारे ही टर्की में इंडिजिनियसली डेवलप किया गया था, एक्सेप्ट AIM-120 MRAM जो कि अमेरिका का बनाया हुआ मिसाइल है। और इस ऑपरेशन में टर्की का ये ड्रोन फोर्स सीरियन आर्मी के बहुत सारे बेसेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। बहुत सारे टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, हेलीकॉप्टर्स, कॉम्बैट व्हीकल्स और रशिया का डिप्लॉय किया गया कुछ एयर डिफेंस सिस्टम को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और इन एयर डिफेंस सिस्टम में पैंसर और S-200 भी शामिल है। और बदले में टर्की के टोटल 8 ड्रोन को शूट डाउन किया गया था, जिसमें से एक ड्रोन फ्रेंडली फायर में शूट डाउन हुआ था। तो इसी बात से आप समझ सकते हो कि टर्की का ये ड्रोन अटैक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा था, और इसके बाद से दुनिया के सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स टर्की के इन ड्रोन के तारीफ कर रहे थे। और इस ड्रोन अटैक के बाद ही रशिया के द्वारा टर्की से ऑफर किया गया पीस डील को एक्सेप्ट कर लिया गया था। तो अगर बांग्लादेश एयरफोर्स अपने टेंडर में टर्की के इस अंका ड्रोन को सिलेक्ट करता है, तो बांग्लादेश एयरफोर्स की ड्रोन कैपेबिलिटी में काफी ज्यादा इजाफा होगा, और अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट में बांग्लादेश एयरफोर्स को एक बहुत ही अच्छा टेक्निकल एडवांटेज मिलेगा। लेकिन मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली इस टेंडर को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, और आखिर में किस ड्रोन को सिलेक्ट किया जाएगा उसको लेकर भी कोई कंफर्म न्यूज नहीं आया है। मैं बस यही कह रहा हूं कि सीरिया में इस ऑपरेशन के बाद बांग्लादेश एयरफोर्स के इस टेंडर में टर्की का बनाया हुआ यह अंका ड्रोन का सिलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी काफी अच्छा है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए, ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज था बांग्लादेश के सारे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए। तो यही था आज का ये पूरा वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।